सो हे गाइस, आज मैं PMIT के उन क्वेश्चंस को आंसर करूंगा जो मुझे लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले ग्रुप ए के क्वेश्चंस को आंसर कर देता हूं। जिन लोगों ने पहली राउंड खेली थी, उन्होंने मुझसे जनरली सारे लोगों ने मुझे यही पूछा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पॉइंट्स कितने थे या आप क्वालिफाई हुए कि नहीं। तो इसका सबसे पहला तो मैंने ये चीज़ पबजी के कस्टमर सपोर्ट से भी पूछा था, तो उन लोगों ने कहा कि जो जो क्वालिफाई हुए हो उनको मेल आ चुका होगा उनके ईमेल एड्रेस पे, और जो लोग क्वालिफाई नहीं हुए हैं उन्हें कोई चीज़ से नोटिफाई नहीं किया जाएगा। तो आपको ना तो अपने पॉइंट्स पता चलेंगे, ना तो आपकी पोजीशन, कुछ नहीं। जो टॉप 500 में होंगे उन्हें मेल आ चुका होगा अगले राउंड के लिए, लेकिन बाकी जितने बंदे हैं जो क्वालिफाई नहीं किए हैं वो अपने पॉइंट्स आपने शुरुआत में कैलकुलेट किए होंगे तो वो कैलकुलेट हो जाएंगे, वरना आप किसी भी तरीके से नहीं देख सकते, ये कन्फर्म्ड बात है। रही बात दूसरी ग्रुप बी सी डी वालों के लिए बात, तो आप लोगों को जनरली पता ही है 15 मैचेस होंगे, क्लासिक मैच खेलने हैं जिसमें से 10 आपके गिनाए जाएंगे, कोई अलग चीज़ नहीं करना है, नॉर्मल मैचेस खेलने हैं, टाइमिंग कुछ भी। आप उस जो 1 हफ्ता का टाइम दिया जाएगा उसमें आपको 15 मैचेस खेलनी है। कुछ टिप्स आप ये सीख सकते हैं ग्रुप ए वालों से जो ग्रुप बी सी डी वालों को बहुत मदद करेगी। सबसे पहली बात तो आपका टायर मैटर करता है। अगर आप एस में हैं तो आपको मैचअप हार्ड मिलने वाला है, आपके किल्स कम निकलेंगे, भले पोजीशन मिल जाए लेकिन किल्स कम निकलेंगे। जैसे हम जब खेल रहे थे तो बीच में हम लोग स्टार्टिंग में एस में थे, फिर उसके बाद नई सीजन आई तो उसके बाद प्लेटिनम में आ गए, तो इवन प्लेटिनम में जब हम आए तो मैचअप पूरी तरह से बदल गई, बॉट्स भी आने लगे और बॉट्स के किल भी काउंट होते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखें कि अगर आप अपर टायर में है और आप उसको संभाल सकते हैं तभी उस टायर में खेलिए, वरना अभी सीजन नया आया है तो अगर आप PMIT खेल रहे हैं या उसके लिए रजिस्टर किया है तो अपना आप टायर कम ही रखें तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि चिकन डिनर जल्दी मिल जाएंगे और बॉट्स भी रहेंगे, बॉट्स के किल भी गिने जाएंगे, ये चीज़ आप लोग याद रखें, बॉट्स मारोगे तो वो भी किल गिने जाएंगे। मेन अगर जैसे मैंने जितना देखा ट्रेंड जो रहा खेलने का, तो उसमें मैंने देखा कि अगर आपको 10 में से एटलीस्ट 6 चिकन डिनर और हर मैचों में अराउंड 20+ किल रहेगा तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। फर्स्ट रीजन में बहुत सारे बंदे थे, मुझे लगता है बाकी तीनों रीजन में कम होंगे, वो हम देख लिया जाएगा, वो उसमें रेटर तो रहता ही है जिससे पता चल जाता है कि ज़्यादा टीम है कि कम। तो ग्रुप बी सी डी वालों के लिए तो थोड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि उन्हें ग्रुप ए वालों से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों के साथ ये भी कंप्लेन हुआ था कि उन्हें हैकर बहुत मिले थे। PMIT के जब भी मैचअप हुए बहुत सारे हैकर आए थे और उसमें बहुत लोग हैकर भी क्वालिफाई किए हैं, मुझे लगता है शायद इन गेम क्वालिफायर्स के में पता चले पबजी वालों को कि वो हैकर हैं। तो ये चीज़ से बच के रहिएगा, अगर हैकर मिल जाए तो उसके पास जाने की बिल्कुल कोशिश ना करें, किल्स किसी तरह दूसरे बंदों को मार के निकाले और किसी तरह पोजीशन का ले, क्योंकि हैकर के साथ आपको भेंट तो होनी ही है 100%, मान लो ये बात। तो बस गाइस सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, और बेस्ट ऑफ लक जो जो क्वालिफाई किए हैं, और ग्रुप बी सी और डी आप लोग को बहुत अच्छा मौका है, ग्रुप ए वालों से आप अच्छा कर सकते हैं, तो बेस्ट ऑफ लक। मैंने आखिरी में स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया है पबजी सपोर्ट वालों का, सो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब कर देना।